असलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो सब ठीक होंगी। ओके, फाइव क्लास इन काउंट डाउन वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज 1D। सो ओपन योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 20, ठीक है, ऑफ एक्सरसाइज 1D एंड मेंशन डेट एंड डे ऑन दैट डेट। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1D। First of all, mention date and day on this page. Page number is 20. And put your pencil in your hand and solve with me. Question number 1, fill in the blanks on your book. Okay? Okay, so question number 1 is fill in the blanks. Start karte hain. First part hamare paas kya hai? Humne last lecture mein, last video mein humne padha tha about demerged rule aur board merged rule. ठीक है, तो यहाँ पे वही दोनों रूल हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिलिंग दी प्लेक्स 5 इन मल्टीप्लाई है, देन ब्रैकेट है हमारे पास राउंड 9 माइनस 2। इसको हमने सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसके आंसर को यहाँ फिल करना है। ठीक है, ओके, इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओके, ए पार्ट हमारे पास क्या था, 5 मल्टीप्लाई 9 माइनस 2। इसके सोल्यूशन हम देख लेते हैं, वर्किंग देख लेते हैं, हमने कैसे सोल्यूशन किया। ठीक है, हमने रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि अगर आपकी ब्रैकेट इन्वॉल्व होती है तो आप ब्रैकेट को फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्टली इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को सॉल्व किया तो यहाँ से फ्रैक्शन हो रही है, 9 माइनस 2 इज़ 7। देन नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लीकेशन हो रही है 5 के साथ, तो 7 इंटू 5 या 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज़ 35। ठीक है, तो ये 35 आंसर आ गया। ओके, तो आपने करना क्या है, अब यहाँ पे आपने 35 फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसका देख लेते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास क्या है, 9 प्लस 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब इसमें कोई ब्रैकेट तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमने डिमैच रूल को फॉलो करना है। ठीक है, डिमैच रूल में हम क्या करते हैं, डिवीजन देन मल्टीप्लीकेशन देन एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट स्टेप में डिवीजन होती है, डिवीजन हमारे यहाँ इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है मल्टीप्लीकेशन सेकेंड, सो मल्टीप्लीकेशन हमारी इन्वॉल्व है, तो 3 इंटू 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6। थर्ड में हम स्टेप में हम एडिशन करते हैं, सो 9 प्लस 4 इज़ 13, एडिशन होगी। और लास्ट स्टेप में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, 13 माइनस 6 इज़ 7, सो 7 इज़ द आंसर ऑफ डी पार्ट। ठीक है, अब जो रिमेनिंग इसके पार्ट्स हैं बी सी एंड ई, ठीक है, यू विल सॉल्व देम बाई योर सेल्फ, आप खुद इनको सॉल्व करेंगी और इनका आंसर आप यहाँ राइट करेंगी। ठीक है, आंसर आपकी बुक के एंड पे भी गिवन है, आप वहाँ से भी मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं ठीक। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे भी हमने बोर्ड में रूल्स रूल को ही अप्लाई करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करके हमने इसको फिल करना है। ओके, फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो ए पार्ट है इसका, वो क्या है, 4 प्लस 6 डिवीजन है, देन 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 35। अब हमने ये बताना है कि इट इज़ ट्रू और फॉल्स। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेट करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर देखेंगे कि क्या वो 35 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक करेंगे। 4 प्लस 6 डिवीजन 5 मल्टीप्लीकेशन 7। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है अकॉर्डिंग टू द रूल, ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया, 4 प्लस 6 इज़ 10। ठीक है, देन डिमैच रूल को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, डिवीजन फर्स्ट करेंगे, 5 10 डिवीजन डिवाइडेड बाई 5। जब हमने 10 को 5 से डिवाइड किया तो 5 कितने टाइम्स 10 होता है, 2 टाइम 10, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, हमने जब 10 को डिवाइड किया 5 से, तो 5 2 टाइम इज़ 10। ठीक है, 2 आंसर आ गया, देन मल्टीप्लाई 7 7 इंटू 2 इज़ 14। आप अगर ये सिंपल सा कोई टेबल है तो आप उसको डायरेक्ट भी 2 राइट कर सकते हो, 5 2 टाइम इज़ 10। ठीक है, 5 2 टाइम इज़ 10, 2 आ गया, या आप रफर में इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। तो आंसर हमारे पास क्या आया, 14, लेकिन यहाँ तो वो कह रहे थे कि 35 के इक्वल है, तो इट्स मीन इट इज़ फॉल्स। ठीक है, 2 नहीं है। अब इसके ई पार्ट पे आ जाते हैं, ई पार्ट ने हमने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 79। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं, डिवीजन तो यहाँ है नहीं, नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लीकेशन होता है, 7 इंटू 3 इज़ 21 प्लस 9 माइनस 5, देन हमने एडिशन किया, 21 प्लस 9 इज़ 30, देन सब्ट्रैक्शन की, 30 माइनस 5 इज़ 25। ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 79, तो इट मीन इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ए मैंने सॉल्व किया, ई सॉल्व किया, बी सी एंड डी, ठीक है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे और खुद सॉल्व करके इसको चेक करेंगे कि वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज़
सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे भी वही बोर्ड मैस रूल ही अप्लाई हो रहा है। सो मैं आपको एक ए पार्ट और एक बी पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है, इसकी वर्किंग दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको करना है। सो रिमेनिंग बी सी एंड ई पार्ट आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ए पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या सोल्यूशन, इस सम का सोल्यूशन क्या आ रहा है। इनके ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखेंगे कि 25, 18, 9 और 21, ठीक है। 9 आंसर मैंने टिक किया हुआ, लेकिन हम चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर हम आएंगे वापस और देखेंगे किसका आंसर क्या है। ओके, 6 + 9 - 3 × 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवीजन प्रोसेस करते हैं। डिवीजन नहीं है यहाँ पे, डेड डी मैथ्स में मैथ मल्टीप्लीकेशन 3 × 2 = 6, देन एडिशन 6 + 9 = 15 आ गया, देन सब्ट्रैक्शन वापस क्या आ गया 9। सो करेक्ट ऑप्शन इज 9। सो हमने 9 को टिक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डी पे, डी को सॉल्व करते हैं। डी हमारे पास क्या है, 20 ÷ 7 + 9 - 6 × 2, ठीक है। हमारे पास रूल क्या होता है, ब्रैकेट ऑर्डर, ठीक है, सॉरी, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी आप देखिए तो टू ऑपरेशंस हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो उसमें हम डिमास को ही फॉलो करते हैं। डिमास में हम पहले एडिशन करते हैं, देन लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो पहले हम एडिशन ही करेंगे। 9 + 7 हमारे पास 16 आ गया, 16 - 6 हमने नेक्स्ट स्टेप में किया 10, ठीक है। अब हमने देखा ब्रैकेट तो हमारी हो गई सॉल्व, अब हम फर्स्ट डिवीजन करेंगे। 20 को डिवाइड करना है 10 से, तो 10 हाउ मेनी टाइम इज 20, 10 is 2 times 20, यस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या राइट कर दिया, 2 एज इट इज़ जाएगा। नाउ 2 × 2 = 4, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 4। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ डी इज़ 4। तो हमने यहाँ पे 4 को टिक कर दिया। नाउ बी सी एंड ई पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे और यहाँ पे जो भी करेक्ट ऑप्शन होंगे आपने उनको टिक मार्क करना है। ओके ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज के जो जितने भी क्वेश्चन हैं आपने उसमें डिमास रूल, बॉर्ड मैस रूल को ही अप्लाई करना है, ठीक है। अगेन एंड अगेन क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़े आपके नंबर्स इजी वाले हैं, ठीक है, 2 digit या 1 digit नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़े नंबर बड़े नंबर के साथ हम डील कर रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही होती है, लेकिन आपने रूल एक ही अप्लाई करना है, डिमास और बॉर्ड मैस रूल। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द डिमास रूल सॉल्व दिस। इसमें से हम ए और बी पार्ट करेंगे क्योंकि डिफ़िकल्ट नहीं है, इसी वही अगेन एंड अगेन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ए और बी पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, इसके रिमेनिंग पार्ट्स यू विल सॉल्व देम बाय योरसेल्फ। ओके, आप खुद सॉल्व करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप अपने हैंड से सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा होगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। सो वी विल डू ए एंड बी पार्ट। ओके, क्वेश्चन में 4 ए पार्ट हमारे पास क्या था, 8 + 4 - 3, ठीक है। डी मैथ्स रूल है, अकॉर्डिंग टू द रूल डिवीजन फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन सेकेंड एडिशन थर्ड एंड सब्ट्रैक्शन लास्ट। सो डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन तो है नहीं, जस्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो फर्स्ट एडिशन पे जाएंगे हम। 8 + 4 हमने कर दिया 12 - 3 एज इट इज़, नेक्स्ट लास्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे, 12 - 3 = 9। ओके, बी पार्ट हमारे पास क्या है, 8 / 2 + 12, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन होती है, डिवीजन करेंगे, सो 2 हाउ मेनी टाइम इज 8, 2 4 times 8, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस 12 + 4 = 16, ठीक है। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई दिस यूजिंग द डिमास रूल। इसको भी हमने डिमास रूल से अप्लाई करना है, ठीक है। इसके भी हमने ए बी पार्ट सॉल्व किए हुए हैं और आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स खुद सॉल्व करेंगे। 5 ए पार्ट देख लेते हैं, 12 × 6 / 13। फर्स्ट डिवीजन हमने करनी होती है, तो 6 / 3 है, तो 3 हाउ मेनी टाइम इज 6, यस 2 times 6, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया डिवीजन का, 2, ठीक है। आप रफ करके इस तरह डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं, 3 2 times 6, सो 12 2 times 24, 24 इज द आंसर। नाउ कम टू बी पार्ट, 15 × 42 / 14, 42 / 14 है, तो हमने 42 को जब 14 से डिवाइड किया तो 14 3 times 42 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ गया, देन 15 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया विच इज़ इक्वल टू 45, सो 45 इज़ द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट भी देख लेते हैं, मैंने सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे।
84 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे, डिवीजन प्रोसेस करेंगे और 7 को 84, 84 को 7 से डिवाइड करेंगे। ये हमने रफ वर्क में जब डिवाइड किया, 7 वन टाइम 7, 8 माइनस 7 इज़ 1, 14, 7 टू टाइम इज़ 14 आ गया। ठीक है, सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 12 मल्टीप्लाई 10, सो 12 इंटू 10 इज़ 120। ठीक है, 120 इज़ आंसर। डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, सिंपल सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन है, जस्ट आपने ऑर्डर को फॉलो करते जाना है और फिर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, रॉन्ग नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट बोर्ड में ब्रैकेट इन्वॉल्व है तो ब्रैकेट को फर्स्ट सॉल्व करें, ब्रैकेट इन्वॉल्व नहीं है तो आप जस्ट क्या करें, आप डीमैट रूल को अप्लाई करें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 108 डिवाइड बाई 12 प्लस 46, सो 12 हमें अगर आपको टेबल आता है तो 12 नाइन टाइम इस 108 होता है तो 9 आ गया हमारे पास, देन 46, 46 प्लस 9 55 इज़ द आंसर। ठीक है, ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द रिमेनिंग पार्ट्स। ठीक है, ऑफ एक्सरसाइज 1D ऑफ क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितने हैं, 16, 10।